सतौली में फीलिंग से भरा मेरा दिल गीत से मशहूर हुए हरियाणवी सिंगर सुमित गोस्वामी के घर कार से आए चार युवकों ने हवाई फायर करके दहशत मचा दी। युवक हवाई फायरिंग करते हुए मोबाइल में वीडियो बनाते रहे। उन्होंने परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद गुज्जर हैं हम फरीदाबाद के, तुम्हें जान से मार देंगे कहकर फरार हो गए। आपको बता दें कि यह मामला हरियाणा के गन्नौर का है। सूचना पर पहुंची गन्नौर पुलिस ने कार का पीछा किया लेकिन हमलावर भाग निकले। घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस को मौके से गोली के खोल मिले हैं। वारदात को परिजन व पुलिस गत माह दिल्ली के 22 साल के बिजनेसमैन अमन बेंसला की खुदकुशी के मामले से जोड़कर देख रही है। मरने से पहले अमन बेंसल ने अपनी पूर्व बिजनेस पार्टनर और सुमित पर धोखा देने का आरोप लगाया था। साथ ही आत्महत्या करने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाली थी। सिंगर सुमित गोस्वामी के छोटे भाई अजित गोस्वामी ने बताया कि बुधवार को दोपहर 1:30 बजे के करीब गांव में ताऊ के घर के समीप गली में एक हुंडई कार आकर रुकी। उसमें से हथियार से लैस चार युवक बाहर निकले। दो हमलावरों ने एक के बाद एक हवा में 5-6 फायर किए जबकि दो मोबाइल में वीडियो बनाते रहे। हमलावरों ने सुमित के साथ ही परिजनों को जान से मारने की भी धमकी दी। अजित का कहना है कि हमलावर प्लानिंग से आए थे, उन्होंने क्षेत्र की पहले से रेकी कर रखी थी। उनके अनुसार आरोपियों ने घर से पहले गली में कार को बैक कर खड़ी की ताकि आराम से भागा जा सके, उसके बाद फायरिंग की। उन्होंने बताया कि अमल बेंसला के आत्महत्या के मामले में सुमित पर लगाए गए आरोप गलत हैं। रंजिशन सुमित को टारगेट करने के साथ ही धमकी दी जा रही है, अब घर आकर फायरिंग कर दी है। सुमित की मौसी रेखा ने बताया कि गली में धड़ाधड़ गोलियां चल रही थी। घर के अंदर होने पर उसे लगा कि बच्चे पटाखे फोड़ रहे होंगे। निकलकर गेट से झांक कर देखा तो चार युवक गोली चलाते हुए गाली गलौज कर रहे हैं। वे कह रहे थे कि हम अमन बेंसला के जानकार हैं, तुम्हें जान से मारेंगे। डर के मारे उसने गेट नहीं खोला। बदमाशों के जाने के बाद निकलकर देखा तो गली में गोली के खोल पड़े थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।